अभी हमें होटल द ललित में और यहाँ हम लंच करने आए हैं दिल्ली के सबसे ऊपर लोकेटेड रेस्टोरेंट में। जी हाँ, 28th फ्लोर पर लोकेटेड ओको में। और गाइस, क्योंकि ये 28th फ्लोर पर लोकेटेड है तो यहाँ से आप दिल्ली का वो नजारा ले सकते हैं जो कि मुझे नहीं लगता आपको दिल्ली में किसी और जगह से मिलने वाला है। और गाइस, केवल बाहर का व्यू ही अच्छा नहीं है, आप इंटीरियर भी देख सकते हैं कितना प्यारा है। बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे सीटिंग है। बाहर से हमने दिखा दिया, अंदर से दिखा दिया, अब जरा यहाँ पे खाना दिखाएंगे आपको। सबसे पहले अपनी ड्रिंक्स आ गई हैं, मतलब ये मॉकटेल है, इसके अंदर आपको मिर्च भी नजर आ रही होंगी। टेस्ट देखा जाए, टेस्ट कैसा है, हल्का हल्का स्पाइसी है और लेमन ग्रास डाला हुआ है तो उसकी स्मेल भी है। ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। ये पम्पकिन क्रैकर्स हैं। मैं जब भी ललित ओको में आता हूँ, आप समझिए, ये इतना तो मैं ज़रूर खाता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, जब भी आप ओको आएंगे इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पापड़ ही लेकिन पम्पकिन का बना हुआ है और बहुत बहुत टेस्टी। नेक्स्ट अपना है थाई पोमेलो सैलेड, इसी के लिए मैं ओको आ रहा होता हूँ बार बार। और नेक्स्ट अपना है थाई स्प्रिंग रोल। थाई स्प्रिंग रोल मुझे नहीं याद ओको में मैंने पहले कभी खाए हैं, तो दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम। गाइस देखिए, सैलेड का तो मैं आपको क्या ही रिव्यू करूँ। दिल्ली के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट में मैंने सैलेड ट्राई किया है, ये मेरा मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। अगर मैं ललित के आसपास से निकल रहा होता हूँ, ये सैलेड मैं इधर खा के जाता हूँ। बहुत मामूली सी बिटरनेस होती है, थोड़ा सा खट्टापन होता है, ऊपर से मिर्च डली हुई है, उनका मामूली सा टेस्ट आ रहा होता है। ओवरऑल टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, ये तो मैं यहाँ पे खाता ही रहता हूँ। जो थाई स्प्रिंग रोल है वो मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कभी ललित में ट्राई किया नहीं है, ये आज फर्स्ट टाइम है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस थाई पेस्ट्री फेस्टिवल। तो नेक्स्ट अपने आ गए, इसमें आप देख सकते हैं ब्रोकली है, बेबी कॉर्न है और कॉलीफ्लावर है, इसको क्रिस्पी किया हुआ है। बहुत हल्की सी स्वीटनेस है इसके अंदर, थोड़ा सा ऑयली भी है, बट वेरी वेरी डिलीशियस। ये निशा को बहुत पसंद आने वाला है, जैसा टेस्ट निशा को अच्छा लगता है ना, इसका टेस्ट वैसा है। तो ये निशा को ट्राई कराते हैं। निशा ने बिल्कुल छोटी सी ब्रोकली का पीस लिया है, कैसा है? मतलब हल्का सा मीठा, हल्का सा स्पाइसी। नेक्स्ट गाइस अपनी सुशी आ गई है, अब जरा इसको ट्राई किया जाए। और ये जो सुशी है इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंगो इसके अंदर आपको नजर आएगा, इवन दो आई डोंट लाइक मैंगो, बट ये जो पर्टिकुलर सुशी है ये यहाँ की मतलब सबसे हॉट सेलिंग सुशी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत तरह की सुशी ट्राई की हैं, आज ये वाले भी टेस्ट की जाए। लेट्स सी हाउ इज द टेस्ट। सरप्राइजिंगली टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पहली बात तो बहुत माइल्ड सा टेस्ट है, आम है, आम बहुत मीठा है इसके अंदर, और कुछ क्रीम भी है इसके अंदर, जो क्रीम का टेस्ट भी आ रहा है, तो मैंगो क्रीम। ओवरऑल वेरी नाइस टेस्ट। गाइज स्टार्टर्स हमारे हो गए हैं, तो अब हमारा सूप आया है। विच वन इज दिस? इट्स द टॉमयम। और गाइज टॉमयम सूप का रिव्यू मुझसे पहले निशा करेगी। निशा बताओ कैसा है, इज इट नाइस? मजा आ गया। तो गाइज सूप को आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफी सारी वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं और कलर देख के लग भी रहा है कि काफी स्पाइसी होने वाला है। पहले केवल सूप टेस्ट किया जाए, काफी खट्टा, हल्की सी मिर्ची, टेस्ट इसका जितना अच्छा दिख रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा है। गाइज अभी अपना मेन कोर्स आ चुका है और सबसे पहले आ रहा है जैस्मिन राइस। जैस्मिन राइस के साथ अपनी है रेड थाई करी। और यहाँ की जो थाई करी होती है ना गाइस, वो स्पेशलिटी है यहाँ पे। मतलब दिल्ली में मैंने जितनी जगह पे थाई करी खाई है ना, सबसे टेस्टी थाई करी जो थी वो मैंने ओको में ही खाई थी। और इसके साथ में भी है पैड थाई नूडल्स, ये भी अपने वेज है। और अपनी मेन कोर्स की लास्ट डिश है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। अब जरा टेस्ट किया जाए वन बाई वन सबको। पहले पैड थाई नूडल्स खाए जाए। नूडल्स जो है बहुत अच्छे से कुक किए हुए हैं और टेस्ट जो है जिसमें फ्लेवर्स है बहुत सटन है, बहुत हल्का सा मीठापन है, हल्का सा इमली का भी टेस्ट है। इस थाई करी में मुझे ग्रेवी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ लूँगा। लेट्स सी कैसा टेस्ट है। अगेन मैं वही बोलूँगा, यहाँ से अच्छी थाई करी आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाली है। इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी कि अगर आपने कभी थाई करी नहीं खाई है और आपको पहली बार थाई करी खानी है, तो आप ललितों को आइए यहाँ पर ट्राई कीजिए, आपको इस थाई करी से प्यार हो जाएगा। और गाइस साथ में अपने स्टफ फ्राइड वेजिटेबल्स भी हैं, इनको भी ज़रा टेस्ट किया जाए। ये भी अच्छी बनी हुई है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, हल्का सा नमक डालकर। तो ओवरऑल जो इनके मेन कोर्स की थीम है वो ये है कि जो फ्लेवर्स हैं वो ओवर नहीं है, बहुत सटल, बहुत हल्के फ्लेवर्स हैं, बट टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। मेन कोर्स का इस हो चुका है, मेन कोर्स के बाद आ गया है डेजर्ट। दिस इज कैरमल कस्टर्ड, तप्तिम, दिस वन इज कैरमल कस्टर्ड। ये कोकोनट मिल्क का बना होता है और इसके अंदर ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली वाटर चेस्टनट है, मतलब सिंघाड़ा। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, हम जब भी ललित आते हैं मील हमारी इसी के साथ खत्म होती है। तो गाइज ये अपनी पूरी ललित ओको की मील थी, खाना सभी कुछ बेहद बेहद टेस्टी था। जो यहाँ से व्यू है वो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। मेरे ओपिनियन में इतना प्यारा पैनोरमिक व्यू दिल्ली का आपको और किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला है।
और जहाँ पे प्राइस रहता है, अगर आप दो लोग आ रहे हैं 5000 फॉर टू आई थिंक इनफ रहेगा अगर आप हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं। आप ड्रिंक्स लेंगे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम में भी आप खा सकते हैं। यहाँ पे 5000 रुपये खर्च करके आपको बुरा नहीं लगेगा, टोटली वर्थ इट जगह है, व्यू अच्छा है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमारी फेवरेट जगह है। आपको भी अगर दिल्ली में किसी अच्छी जगह पर जाना है आप दाल ललित आ सकते हैं ओको में, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका भी अच्छा ही रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।